की पावन धरा की ओर और जैसे सर पर धारण किया तो कारागार के ताले टूट गए अपने आप, द्वार खुल गए, सैनिक मूर्छित हो गए। किसी को कोई खबर नहीं कि कब भगवान मथुरा से गोकुल की ओर आए। निकले, शीतल पवन बह रही है। यमुना जी का जलस्तर बहुत कम था जब वसुदेव जी बीच में आए, चरणों तक था। और जैसे ही भगवान को देखा यमुना जी ने, चौथी पटरानी है, तो मन हुआ प्रभु की बाल छवि है, चलो एक बार भगवान के चरणों का प्रक्षालन करूं। यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा, घुटनों तक आया वसुदेव के, कमर तक आया, वक्षस्थल तक आया। गोविंद समझ गए कि यमुना महारानी मेरे चरणों का प्रक्षालन करना चाहती हैं। तो ठाकुर जी ने अपने दोनों नन्हे चरण टोकरी से बाहर निकाले और यमुना महारानी ने चरणों का प्रक्षालन किया और शांत हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। रिमझिम बरसात हो रही है तो शेष भगवान प्रकट हुए और भगवान पर छाया की। इधर गोकुल में यशोमती मैया के यहाँ एक माया ने जन्म लिया कन्या रूप में। वसुदेव कब आए, कब कन्हैया को उठाया और लाला को लेकर वहां पर छोड़कर और कन्या को लेकर वापस आए हैं, सर पर माया को धारण करके आए हैं। और जब वापस कारागार में पहुंचे तो फिर से द्वार बंद हो गए, ताले लग गए। जब गए थे तो सर पर कौन है, श्री कृष्ण है। ताले टूट गए, द्वार खुल गए। जब आए हैं तो सर पर कौन है, माया है। द्वार फिर बंद हो गए, ताले फिर लग गए। माने जब जब आप अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण को पधराते हैं तब तब प्रत्येक प्रकार के बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं, प्रत्येक बंधन टूट जाएगा। और जब जब इसी मन मंदिर में माया को धारण करोगे तो आप बंधनों में जकड़े जाओगे। निर्णय हमारा है। देखो एक बात स्पष्ट है, कथा और कहानी में अंतर होता है। भागवत कथा है, कहानी नहीं है। दोनों में भेद क्या है, कथा का जो उद्गम है वो कथम शब्द से हुआ है। कथा का उद्गम जहां से कथा शब्द प्रकट हुआ वो कथम शब्द से प्रकट हुआ है। और कथम का मतलब होता है क्यों, रिसर्च है एक, क्यों आप कथा सुनते हैं, क्यों हम आए शरण में, क्यों भगवान के सत्संग में बैठे, किस लिए, कारण क्या है। यहाँ एक खोज है। क्यों का अर्थ है, जहां प्रश्न आया माने अब यहाँ एक रिसर्च है, एक खोज है, निज खोज है। या वहां पर बैठकर आपने कुछ डूब कर कुछ हासिल करना है कथा में, कुछ भी है। कहानी और कथा में भेद होता है, ध्यान दीजिए। जो आप बच्चों को सुनाते वो कहानी है। अब आप लोगों को बेहतर पता है, कभी ना कभी तो आपने छोटे बच्चों को कहानी सुनाई होगी गोद में बिठाकर। और क्या होता है, जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चा सो जाता है। अक्सर रात के वक्त में बच्चे बोलते हैं कि कुछ कहानी सुनाओ। सभी ने किसी ना किसी छोटे बच्चों को सुनाई होगी। तो अक्सर अक्सर क्या होता है, जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चा सो जाता है। कहानी सुनोगे तो सो जाओगे। और कथा की विशेषता क्या है, कथा आपको जगा देती है। सब नींद में है, केवल वो सोना सोना नहीं है कि रात आई हम सो गए, कोई विषय वासनाओं में सोया लिप्त है, कोई आलस में लिप्त है, सारा सकल संसार सो रहा है। और गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जब सारा विश्व सो रहा है मेरा योगी जागता है। इसका देखो दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि रात्रि का वक्त आया, समाज सो रहा है, और उस वक्त भी एक साधक उठता है, उस वक्त भी एक तपस्वी उठता है, भगवान का भक्त उठता है, साधक उठेगा, कुछ साधना करेगा, क्योंकि वो जानता है ये रात सोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जोश, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये राहत मिलन की है। देखो शिवरात्रि क्या है, महाशिवरात्रि आने वाली है, तो महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है, रात्रि, वो रात्रि जिस रात को शिव से मिलन हो जाए। ये रात बहुत मूल्यवान है। महाराज कब हुई, रात को ही हुई। माने ये रात्रि सोने के लिए नहीं, ये रात्रि जागृति के लिए। भगवान स्पष्ट इशारा करते हैं, बोले ये रात की बेला जब सब सो जाएं तो थोड़ा जागना, जब सारा सब सो जाएं उठकर देखना। अब वो वातावरण एक वन के समान है, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, कोई झंझट नहीं। अब ये भी नहीं कि कोई मोबाइल बजेगा, कुछ होगा।
लेकिन विडंबना यह है कि आज का समाज रात्रि का वक्त भी प्रयोग मोबाइल के लिए कर रहा है, चैटिंग के लिए कर रहा है। दिक्कत तो ये है, जबकि वो इतना अनमोल समय है, वो मिलन का समय है भगवान से, अपने प्रीतम के साथ एक होने का समय है। ये वो समय है जब अनंत जन्मों की बिछड़ी हुई भगवान की चेरियां भगवान से एक होने का एक प्रयास कर रही हैं। प्रयास तो हम कर सकते हैं, जबकि ये भी निश्चित है कि हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता, होता भगवान के प्रसाद से है, लेकिन प्रयास तो करें। उठे तो सही, कम से कम बैठे तो सही। इतना नियम तो हो कि कम से कम रात को सोने से पहले कुछ समय अब प्रभु के लिए गुजारा जाए। मोबाइल, उपद्रव, अवरुद्ध वस्तुएं सब एक तरफ रख के कम से कम जब रात को सोने लगो तो अपने प्रभु का स्मरण करते करते, भजन करते करते, पाठ करते करते, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उसका जपते 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 सो जाओ। उठो तो उसी प्रभु का नाम जपते जपते उठो, तो नींद भी भक्ति हो जाएगी, नींद भी भक्ति हो जाएगी। ये बेला मिलन की है। शिवरात्रि ही क्यों, शरद पूर्णिमा की रात ही क्यों, एक इशारा है, एक संकेत है। ये बेला गुरु महाराज भी फरमाते कि घर की माँ उदास, जब सब घर के सदस्य सो जाएं रात्रि के वक्त है, तो थोड़ा उठना, कुछ समय निकाल कर प्रभु के साथ बैठना। बस करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, करना कुछ भी नहीं है। आप कोई नाम ना जपिए, कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ स्तुति नहीं करनी, केवल और केवल अपने प्रभु के पास बैठ जाओ। जैसे दो प्रेमी इकट्ठे हुए, कुछ बोलने का अर्थ नहीं है, बस देख रहे हैं, बैठ गए हैं, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार गुरु महाराज फरमाते हैं कि जीव रूपी प्रेयसी का जो आना है संसार में, अपने परमात्मा भी प्रीतम से एक होने के लिए ही है, और जब तक ये मिलन होता नहीं तब तक आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। इस बात को जब भी समझ लीजिए आप। इसलिए कथा में और कहानी में अंतर है। केवल मैं आऊं, कहानी सुनाकर चला जाऊं, आपका रंजन तो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मंगल नहीं हो पाएगा, मंगल नहीं हो पाएगा। कथा आपको जगाती है, कथा आपको जागृत करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कथा सुनते सुनते आप श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा मैंने कोई एहसास नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कथा सुनते सुनते आप श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे। लेकिन इस बात की अनुभूति तो मुझे है कि कथा सुनते सुनते कृष्ण आपके पास चले आएंगे। हम जाएंगे भी कहां कहां पहुंच पाएंगे खबर नहीं है, कहां जाकर ढूंढेंगे। बार बार मैं कहता हूं प्रभु को ही आना पड़ता है, कभी भक्त नहीं जाता भगवान के यहाँ। ध्यान दीजिए, भगवान आए, शबरी नहीं गई, रघुनाथ जी आए, नामदेव नहीं, विठलनाथ प्रकट हो जाते हैं। भक्त जाएगा भी कहां पर, भक्त केवल पुकारता है। हम जहां हैं, आप जैसी स्थिति में हैं, जहां रहते हैं आप, वहीं रहकर प्रभु को पुकारिए, भगवान आपकी पुकार सुनकर सामने आएंगे, बरसेंगे वो एक दिन, वो कृपा होगी। और जब तक भगवान का प्रगट्य नहीं हो रहा, तब तक चलते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। देखो सही मायने में तो एक गोपी है, एक गोपांगना है। नारद ने भक्ति सूत्र में स्पष्ट कहा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, ये ब्रज की गोपिकाएं, ये गोपांगनाएं ही जितना इसको प्रेम करती हैं, जितना इनको समझ पाती, कोई और नहीं समझ पाता। और अगर इनके प्रेम का परम एहसास करना है तो गोपिका बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन अब विडंबना ये, हम गोपी कैसे बने। गोपी बनना किसी प्रयास से नहीं होता। गोपी जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका सब कुछ, पांचों ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब श्री कृष्ण में लिप्त हो गई हैं। श्याम मन श्याम धन, श्याम ही हमारो तन, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। अब कुछ और दिखता नहीं है, उन्हीं के लिए तो प्रभु पधारे हैं। गोपी कैसे बना जाए, ये कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ये बन जाएंगे। ये तो भाव है, प्रभु कृपा करके प्रकट कर देवे सो कर देवे, अन्यथा किसी प्रयास से गोपी बनना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है, हम लोग अपने प्रयास से गोपी नहीं बन सकते, ये बात सिद्ध है, न आप न मैं। लेकिन एक चीज सब कोई कर सकते हैं, आप भी मैं भी। देखो स्वांग करना हम सबको आता है,
नाटकबाजी तो हम सबको आती है, जितना चाहो उतना नाटक हम कर सकते हैं। अंदर से भाव प्रकट हो रहा हो, कम से कम मेकअप तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, गोपी ड्रेस पहनकर भी बैठ सकते हो, कुछ अभिनय तो हो सकता है कि मैं गोपी हूं, चलो अभिनय ही कर लेते हैं, कभी ना कभी तो सार्थक हो ही जाएगा, अभिनय कर लेते हैं, नाटक ही कर लो, नाटक की तो हमें आदत है, सबको आदत है। अब कोई घर में झगड़ा हो रहा है, आपस में बातचीत नहीं हो रही, अचानक कोई अतिथि आ जाए, कोई विशेष, तो देखो एकदम सब बदल जाएंगे, ऐसा अभिनय होगा कि जज नहीं कर पाएगा कि कुछ हुई भी थी बात, ऐसा अभिनय होगा। चलो नहीं बन सकते तो ना सही, कोई बात नहीं, कम से कम नाटक कर दे कि हम भी गोपिका हैं, अभिनय है, क्या पता भगवान अभिनय ही स्वीकार कर ले, कहीं से तो शुरुआत हो, झूठ से सही, मैं तो कहता हूं पखंड से सही, आडंबर से सही, कहीं से भी आप शुरू हो जाइए, बस बस उपक्रम इतना करें कि प्रभु कृपा करें हम शुरू हो जाएं, बस कहीं से भी, बिना मन के से सत्संग आइए, बस बिना मन के से कथा सुनिए, कथा अपना प्रभाव देगी, कथा जागृति देगी, और ना जाने कब प्रभु कृपा कर दें, क्या खबर कोई गोपिका की कृपा हो जाए, अभिनय करते करते कोई उस सचमुच में भाव प्रकट हो जाए, झूठ से शुरू होते होते कोई सच ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यकीन करके चलते रहिए, कभी ना कभी तो प्रभु कृपा करेंगे। राम नाम की लूट है, बस लूटते रहिए, नाम जपते रहिए, राम नाम जप रे मना, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बन कपड़े की कान, जपते रहिए, जैसे भी जपते रहिए, दिन रात जपते रहिए, समय व्यर्थ ना चला जाए, कोई समय व्यर्थ ना चला, बातों में ना चला जाए, क्योंकि अगर नाम नहीं जपो कम से कम कुछ तो करोगे, मन तो उपद्रव करेगा, ये तो मन की आदत है, बैठोगे नहीं भगवत चर्चा करोगे तो समाज की चर्चा करोगे, किसी की बुराई की चर्चा करोगे, अच्छा ये बैठ जाओ तो कम से कम ये समय सार्थक है, जिस समय बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, ये प्रतिदिन के 3 से 4 घंटे ये बड़े मूल्यवान है, ये आपके ये समझना आप जी रहे हैं। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूरा पाया, सदगुरु पूरा पाया। वो समय बोले कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, जिस पल में आप इनके सन्मुख बैठे हैं, भगवान के सन्मुख बैठे हैं, आप समझिए जीवन ये जिया जा रहा है, ये सबसे अनमोल समय है जिस समय भगवान प्रकट हो रहे हैं, इसलिए मन मंदिर में प्रभु को धारण करो, हर वक्त जितना हो सके कथा श्रवण करो, कथा सुनते 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 वेद व्यास कहते हैं मुँह रहो रसिका भूवि बाबू कहा, बार बार सुनो, बार बार क्यों बोले, जैसे धान है, धान को आप कूटो तो एक बार तो कूटने से उसका ऊपरी परत उतरती नहीं है, जो बार बार उसको कूटोगे तो एक समय आएगा ऊपरी परत उतर जाएगी और शुद्ध चावल बाहर आ जाएगा, उसी प्रकार से हमारी भी आत्मा के ऊपर ना जाने कितने जन्मों की मल चढ़ी हुई है, माया का पर्दा है, बड़ी मोटी परत हो चुकी है और ये उतरती नहीं है, बार बार सुनने से बार बार करने से एक समय ऐसा आएगा आपको भी खबर नहीं लगेगी, ऊपरी परत उतर जाएगी और विशुद्ध जीव तत्व बाहर प्रकट हो जाएगा, फिर रस क्या है, अनुभव क्या है, इसलिए अक्सर मुझे कहना पड़ता है जो एक नाम आपको मिला है बाकी सब छोड़ दो, जुड़त नहीं है, उस एक नाम को जपो, फिर कोई और पाठ नहीं, कहीं और नहीं, कुछ नहीं, जो एक नाम मिल गया, राम मिला, कृष्ण मिला, शिव मिला, नानक मिला, वाहेगुरु, जो भी आप जपते हो, फिर दिन रात उसी को जपो, दिन रात जपो। अक्सर अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ दिन जप लिया, महीना दो महीना, फिर कुछ और जपना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के पाठ कर लेते हैं, क्षमा करना, पर मुझे कहना पड़ता है उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहीं आप पहुंच नहीं पाएंगे, पहली बात, अगर कहीं मंजिल हासिल करनी है, पहुंचना है साध्य तक, जो एक नाम मिला उसे दिन रात जपिए, जो भी मिला है।
क्योंकि प्रत्येक नाम सत्य है। तभी गुरु महाराज ने कहा सतनाम, क्योंकि एक इनका नाम है जो परिपूर्ण सत्य है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरु प्रसाद जप, गुरु प्रसाद रूप में प्रदान करता है। फिर उसके बाद क्या बोला, जप। होना तो यूं चाहिए कि जब दीक्षा मिल जाए, गुरुदेव जो दीक्षा दे दे, उसके बाद अगर दीक्षा लेने के बाद आप 3 से 4-5 दिन भी निरंतर सतत भजन करते रहे उसी नाम का। भजन माने ये नहीं कि कुछ गा रहे हैं, भजन माने जो नाम मिला उसको दिन रात स्मरण करना, वो भजन कहलाता है। जो नाम मिला अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी कम से कम आप सतत उसका भजन कर लो, 24 घंटे कर लो, प्रत्येक पल में कर लो, एकदम आप चेंज महसूस करेंगे, एकदम परिवर्तन महसूस करेंगे एकदम। लेकिन जपो तो सही। और हम क्या करते हैं, दीक्षा ली और ऐसा लगता है कि बस अब काम खत्म हो गया, चलो ये भी कोई काम था, ये भी क्रिया थी, रह गई थी। सब बोलते थे दीक्षा ली कि नहीं ली, गुरु बनाया कि नहीं बनाया, बोलो चलो झंझट खत्म। गुरु बन गया, नाम मिल गया, अब दोबारा देखना भी नहीं नाम क्या है। जबकि असली धर्म ये है, जिस दिन आपको दीक्षा मिलती है समझिए आपका एक नव जन्म हुआ है, और यहां से अब आप अकेले नहीं है, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद और साक्षात भगवान आपके साथ नाम रूप में विराजमान हो गए, नाम महाराज आपके साथ हो गया। अब हर वक्त नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, इतना जपो, तब तक जपो जब तक आपकी प्रत्येक श्वास नाम ना जपना शुरू कर दे। तब तक जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, दिन हो रात हो, कोई भ्रम नहीं, कोई बहन नहीं, कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं, कोई अवरुद्ध नहीं नाम के। नाम में और भगवान में भेद नहीं होता, राम से बड़ा राम का नाम। राम कुछ लोगों का उद्धार कर देते हैं, नाम सबका उद्धार कर देता है, इतने नाम की महिमा है। फिर जो एक नाम मिले उसी को भजो, फिर बार बार और पाठ नहीं करने। सुबह उठे कोई और पाठ कर लिया, फिर सांझ को कोई और पाठ कर लिया, फंस जाओगे आप, भटक जाओगे आप। मन को साधे तक पहुंचने का तो साधन एक ही है। अब यहां से किसी स्थान पर जाना है, दिल्ली जाना है, एक साधन बहुत है, कोई भी एक साधन ले लीजिए, बाय कार चले जाओ, बाय बस चले जाओ, एक साधन बहुत है, पर्याप्त है, आप पहुंच जाएंगे। अलग अलग साधनों में कैसे जाएंगे आप, नाम और ये तो जीवन का सूत्र है। नाम एक मिला फिर दिन रात उसका भजन करो। अब गोपिकाओं को देखो, गोपांगनाओं की विशेषता क्या है, कृष्ण 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 कृष्ण, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। उठते बैठते सोते जागते हर अवस्था में केवल कृष्ण का स्मरण करती हैं, मन भी कृष्ण में लगा हुआ है, जीवा रसना भी कृष्ण का नाम स्मरण कर रही है, और काम भी जो करती हैं वो भी कृष्ण के लिए करती हैं, चित्त भी श्री कृष्ण में है, जहाँ देखती हैं इनके सिवा कुछ नजर नहीं आता, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। शबरी जीवन भर राम 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 स्मरण करती रही तो पूर्ण साधे को पा लिया, प्रभु की प्राप्ति कर ली। हमारा मन अव्यवस्थित है, हमारा मन बिखर जाता है, डामाडोल हो जाता है, इसलिए कथा जरूरी है। जितना आप कथा सुनेंगे, सुनते 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 एक अवस्था आपकी आएगी, जब इसका रस आप अनुभव करेंगे फिर संसार फीका लगने लगेगा। देखो संसार को छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है, केवल संसार छूट जाए बस, छोड़ने का कोई अर्थ नहीं, छोड़ने वाले पहुंच नहीं पाते, जहां तक मेरा अनुभव है। मन से छूट जाए तो फिर मंजिल है। मन मंदिर में श्री कृष्ण को पधराइए। वसुदेव ने मन मंदिर में कृष्ण को पधराया, बंधनों से मुक्त हो गए, और जब माया को धारण किया तो फिर ताले लग गए, फिर द्वार बंद हो गए। इसलिए मन मंदिर में किसे पधारिए, जो नाम आपको अच्छा लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दिनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने। ये जो सदगुरु प्रदान करता अनमोल है, फिर दिन रात इसका स्मरण करो। गोकुल की पावन धरा में गोविंद पधारे हैं, वेद व्यास कहते हैं, अवेदंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवी कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्ते ब्रज मांगते। परम आनंद उत्सव प्रकट होगा। सुब्रह्म मुहूर्त का समय है, किसी को खबर भी नहीं है कि कब नहीं आए। यशोमती मैया को भी खबर नहीं लगी क्योंकि माया का प्रभाव था, और जिस कन्या को लेकर वसुदेव गए कंस को खबर लगी, कन्या को पकड़ा मारने का प्रयत्न किया, दुर्गा रूप धारण करके आकाश में चली गई। बोले हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। और इधर सुबह का वक्त, सबसे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा ने कन्हैया को देखा, यशोमती मैया को जगाया, हे मैया बधाई हो। और तब मैया जागी, तब देखा लाला आए, बड़े आनंद के अश्रुपात हुए, कन्हैया को हृदय से लगा लिया। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा को बधाई देने के लिए। नंद बाबा कहाँ है, गौशाला में है, गौ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा, रघुनाथ जी आए कृष्ण बनकर, क्योंकि गौ सेवा रह गई थी, गौ सेवा नहीं की। अब गोपाल बनकर आए हैं, गौ सेवा करने के लिए गोविंद प्रकट हुए हैं। इसलिए जितना हो सके गौ की सेवा भी करो, गौ माँ की सेवा जरूर करनी चाहिए। एक गौ माँ की सेवा करने से आप सभी जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता की उपासना अपने आप हो जाती है। जब भी वक्त मिले गौ माँ को घास दो, गौ माँ को पेड़ा दो, ऐसे छोटे छोटे कर्म भी करते रहा करो, सेवा भाव से, निष्काम भाव से सब करते रहो। जो जो ठाकुर जी करते हैं वो हम भी करें, जो भगवान गौ सेवा करते हैं वो सबको करनी चाहिए। नंद बाबा के पास नंदा गई, बोले बाबा बधाई हो। बोले का भयो, बोले आज लाला भयो, ठाकुर जी आए हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। सारे गोकुल धाम में सबको खबर लगी, प्रभात हुई, सब गोपिकाएं दर्शन करने के लिए आ रही, बड़ी आनंदित हुई। क्योंकि यशोमती मैया नंद बाबा की आयु बड़ी हो गई थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, और आज कृपा हुई तो नंद नंदन आए हैं। ब्राह्मण आए, ठाकुर जी का अभिषेक किया, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन के पल्ले में ठाकुर जी को पधराया। सब सखियाँ आ रही हैं, सज धज कर आ रही हैं, और आकर भगवान को झूला झूला रहे हैं। और नंद बाबा महामना हो गए, भंडार खोल दिए, बोले जिसको जो चाहिए सो ले जाओ, अपने हाथों से नहीं बांट रहे, खुले हैं भंडार, जो चाहिए ले जाओ। वेद व्यास कहते हैं, नंदो महामनिस्ते भयो वासो अलंकार गोधनम। नंद बाबा महामना हो गए, भंडार खोल दिए, और जितना बांट रहे हैं उतना बढ़ रहा है। 2 लाख गईयों का दान नंद बाबा ने यहाँ पर दिया है, और गईयां कैसी, जो ताजी सुई हैं, जिनके साथ बछड़ा या बछड़ी है, सिंग में सोना मढ़कर, खुरों में चांदी मढ़कर अलंकृत करके, नंदो महामनिस्थे भयो वासो अलंकार गोधनम। 2 लाख गईयां का दान दिया। पूर्णमासी आई तो बोले नंद बाबा बधाई हो, मैंने कितनी भगवान की स्तुति की, भगवान बार भगवान नारायण से प्रार्थना किया करती थी, एकादशी के व्रत किए, पूर्णिमा के व्रत किए कि हमारे नंद बाबा के यहाँ कोई लाला हो जाए, कोई संतान प्राप्ति हो जाए, आज प्रभु ने सुन ली। इतनी माँ आकर कहती तो नंद बाबा के नेत्र सजल हो जाते। बोले हाँ माँ सही कहती है। बोले मेरे भाग्य में कहाँ ये सुख था, ये तो कोई तेरी ही विनती, तेरी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार कर ली होगी। और आज खूब गोकुल धाम में आनंद उत्सव हो रहा है, सखियां सज धज कर आ रही हैं, 16 श्रृंगार करके आ रही हैं। नंद नंदन की जो एक बार झलक पाती है बस देखती रह जाती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है, बेसुध हो जाती है, और ठाकुर जी को पल्ला झुला रही हैं। आइए सब मिलकर गोकुल में चले। और अब 3 दिन आपने केवल गोपिका का अभिनय कर लो, चाहे गोपिका बन जाओ, भाव आपका है, लेकिन ठाकुर जी के साथ चलिए, लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करें। चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, चंदन काहे पलना रेशम की है डोर, चंदन काहे पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद
झूलर झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद सुलावे जपक के आंचल माथे पे टीका आंखों में काजल थपक सुलाए जपक के आंचल माथे पे टीका आंखों में काजल थपक सुलावे जपक के आंचल माथे पे टीका आंखों में काजल जपक सुलावे जपक के आंचल माथे पे टीका आंखों में काजल देवे सखी बधाई यशोदा के कर जो सखी बधाई यशोदा के कर जो ओ झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में सब गाइए मेरो नटवर नंद किशोर ओ चंदन काहे पलना रेशम की है डो चंदन काहे पलना रेशम नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में मेरो नटवर नंद किशोर कन्हैया झूले पलना एक होले जोटा जीजो कन्हैया झूले पलना एक होले जोटा जीजो कन्हैया झूले पलना एक होले जोटा जीजो झूठा दीजो निक होले
छोटा जी जो नित होले झूठा 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 जी जो मेरो लाला झूले पलना मैं कहोले झूठा जी जो होले झोटा जीजो निक होले झोटा जीजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा जीजो निक धीरे झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे आनंदो महामनिस्तभयो वासो अलंकार गोधनम खूब भंडार खोल दिए ग्वाल बाल आए और खूब लेकर जा रहे कोई सोना कोई चांदी कोई हीरे मोती जेवरात लिए जा रहा है एक भी गोपिका ऐसी नहीं आई जो भंडार से कुछ लेकर गई गोपिका तो आती है नंद नंदन का दर्शन करती कृतार्थ हो जाती है ग्वाल बाल आए और सोना चांदी लिए जा रहे हैं तो पथ में कुछ गोपिकाएं मिल गई गोपिकाओं ने पूछा बोले इतना सोना चांदी लिए कहाँ से आ रहे हैं बोले आज नंद बाबा ने खूब भंडार खोल दिए हैं वहीं से बस नंद नंदन की खुशी में गोपिका ने पूछा केवल सोना चांदी लेकर आए नंदनंदन का दर्शन किया कि नहीं किया बोले वो तो नहीं किया बोले तभी तो अगर एक बार इन नैनन से उनकी झलक पा जाते तो ये सोना चांदी फीके लगते बोले इतने मधुर हैं क्या बोले ये बताने का विषय नहीं ये तो अनुभूति का विषय है आप जाइए खुद इन नैनन से देखिए ग्वाल बाल वापिस आए बोले बाबा एक बार नंदनंदन की छवि तो दिखाना बोले मना करके आप देखिए और गए ग्वाल बाल जब देखा नंदनंदन को ब्रजराज को और देखते ही नेत्र सजल हो गए सोना चांदी फेंक दिया ब्रजराज में
लेकर सभी गए थे, लेकिन नंद नंदन का जब तक दर्शन नहीं किया था तब तक लेकर गए। जब इनकी उस बाल छवि की अनुपम माधुरी को देखा तो फिर वही सोना चांदी धरे के धरे रह गए, फीके हो गए, फेंक दिया। और आज ऐसा एहसास होता है ब्रजमंडल को देखकर कि पूरे ब्रज की भूमि पर सोना चांदी बिखरा है। और गोपिका ऐसा अनुभव करती हैं जैसे भगवती माँ लक्ष्मी वैकुंठ का प्रत्याग करके ब्रज रज के कड़कड़ में समा गई हैं। तभी तो गोपिका गीत में गोपिकाएं कहती हैं प्रथम श्लोक में कौन सा, जय तितेजिकम जन मना ब्रज श्रयत इंदिरा इंदिरा। इंदिरा बोलते हैं लक्ष्मी को, पर वो यूं तो ब्रजमंडल की शोभा दिव्यतम है, लेकिन जब से आप पधारे हैं ऐसा अनुभव होता है कि जैसे लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली आई, वैकुंठ के रज में कहां आई, ब्रज के रज में शामिल हो गई। देखो इसी ब्रज रज में नंदनंदन नंगे पग चलेंगे। आज भी आप जाइए, कभी बिहारी जी का दर्शन होगा तो अनुभव कीजिएगा, ठाकुर जी आज भी ब्रज में पादुका नहीं पहनते, नंगे पग चलते, क्योंकि यहां ये संतों की रसिकों की धरा है। भक्तगण बैठकर इस रज में लोटपोट होते हैं और इसी ब्रज रज को नंदनंदन चखते भी। आज तक जितने भी अवतार लीलाएं हुई हैं कभी किसी रूप में भगवान ने रज नहीं खाई, मट्टी नहीं खाई, रज माने मट्टी। लेकिन जब वृंदावन में आए हैं तो गोपाल जी ने रज का सेवन भी किया, इसलिए वृंदावन मट्टी नहीं बोलते, रज बोलते हैं। और यही रज संतों को प्राणों से प्यारी है, संत कहते हैं ब्रज धुरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सुमोही बचाए। हे गोविंद आपकी रज प्राणों से प्यारी है, हमारी तो एक प्रार्थना दम निकले तो इसी ब्रज रज में निकले। और मान लो कहीं दूर जाकर दम भी निकल भी जाए तो भी हमारी इस भौतिक देह को, स्थूल देह को ब्रज रज में इतना घसीटना कि इस तन का, इस भौतिक देह का, स्थूल देह की कणिका कणिका रज में मिल जाए। ठाकुर जी को रज बड़ी प्यारी है, जब भी वृंदावन जाइए तो वृंदावन की रज को मस्तक पर धारण करो, हो सके इस रज में लोटपोट हो जाओ, हो सके तो नंगे पग चलने का प्रयत्न करना इस पावन धरा में। ब्रज रज लेकर आओ, नित्य प्रति उसका तिलक धारण करो, उस रज में अनुभव करो जहां प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, जहां भगवान की सखियां, भगवान की परिचा, भगवान की ये जितनी भी मंजरियां हैं, भगवान की गोपिकाएं सब प्रभु के साथ नित्य विहार करती हैं वृंदावन। ध्यान दीजिए, वृंदावन धाम ठाकुर जी की निज स्थली है, अपना घर है ठाकुर जी का। और ये ब्रह्मा की उपज नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ब्रह्मा ने नहीं बनाया वृंदावन को, आपकी सारी सृष्टि ब्रह्मा का अंग है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, उस आदि कवि विधाता की सृष्टि है, निर्माण करता है वे, लेकिन वृंदावन के निर्माण करता ब्रह्मा नहीं है, स्वयं ठाकुर जी।
ये प्रिया प्रीतम की निज स्थली है। इसलिए जब प्रलय भी आ जाए तो वृंदावन धाम का प्रलय नहीं होता। तभी हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए, ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित, कब हो ना ही न सात वृंदावन 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 वृंदावन। वैसे गुनगुना लो वृंदावन वृंदावन, ताली नहीं वैसे गुनगुना लो, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नयन से रात वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं फिर कहूंगा, आप ये मत सोचिएगा किसी वक्त में श्री कृष्ण आए थे, ये कथा किसी वक्त में हुई थी, ये नित्य है। नाम नित्य है, रूप नित्य है, लीला नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान के भक्त नित्य है, जो है ही नित्य है। पुरातन नहीं है, नवीन भी नहीं है, सनातन है, सदा हो रही है, हर वक्त है। पश्चिम बंगाल के संत कलकत्ता से नजरुल पधारे श्री धाम वृंदावन, 500 वर्ष पुरानी बात है। आज भी आप जाइए, अगर वृंदावन धाम का अनुभव करना है तो किसी रसिक के पास जाइए, किसी संत के करीब जाकर बैठिए तो वृंदावन की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए वृंदावन कभी भी घूमने के लिए नहीं जाना, जितना समय मिला ये नहीं, मैंने पहले भी कहा था दिन रात लगे रहो, ये घूम लो, वो कर लो, ये दर्शन वो दर्शन नहीं, भले एक स्थली पर जाकर बैठ जाना, वृंदावन में जाना ही पर्याप्त है। रसिक तो यहां तक बार बार गाते हैं, बोले वृंदावन के बाहर आप जितना भजन करते हैं वृंदावन में जाकर सो जाइए ज्यादा बेहतर है। इसका अर्थ ये नहीं कि सो जाना है, इसका अर्थ ये है कि अगर वृंदावन धाम में सोने की इतनी महिमा है तो वृंदावन में जाकर भजन करने की कितनी महिमा है। वहां जाइए तो ठाकुर जी का भजन करें, जहां नित्य वास है। और हो नहीं सकता कि वृंदावन में जाने वाले को गोविंद दर्शन ना देते हो, भगवान दिखते ना हो, ये हो नहीं सकता, दर्शन ना होते हैं। ये अलग बात है कि आप कभी अनुभव कर पाए हो कि ना कर पाए, ये अलग बात है। ये तो नटखट कन्हैया इन्हीं गलियों में इन्हीं कुंजों में घूमता है अपने गायों के साथ, बछड़ों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, दाऊ जी के साथ, कभी सखियों के संग में। हो नहीं सकता कभी नटखटियां करते करते कोई चलते चलते भीड़ में आपसे कुनी ना मारी हो, उसने आपको छेड़ा ना हो, ये अलग है, आप अनुभव ना कर पाए। लेकिन कभी भीतर की आवाज सुनना, आत्मा ने गवाही दी होगी, ये वही है। किसी को देखकर कभी लगा होगा, बहुतों का अनुभव है, बहुतों ने अनुभव किया है, वो प्रत्यक्ष जब आते हैं। इसलिए ये लीला नित्य है। नजरूर आए पश्चिम बंगाल से 500 वर्ष पहले, लेकिन जब तक एक सदगुरु ना मिल जाए, नजर तो सदगुरु बख्शेगा। इन नैनों से आप देख तो सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते। देखने में और दर्शन करने में अंतर होता है, जैसे सुनने में और श्रवण में अंतर होता है। अब आप कहेंगे शब्द तो एक ही है, एक है लेकिन भावार्थ अलग अलग है। सुनना माने कान, कानों से आप सुन रहे हैं, और श्रवण का अर्थ होता है कानों के साथ मन भी जुड़ गया, मन भी जुड़ गया। जब आपकी कर्णेंद्र ये इंद्री और मन आपस में जुड़ा तो फिर वो श्रवण होगा। अब कान यहां है, जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो आपके भीतर तो जा रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो फिर रस कैसे आएगा। मन भी मिल गया फिर श्रवण बना। इसी प्रकार से केवल दृष्टि देख रही है, दृष्टि से कुछ नजर आता है वो देखना है, लेकिन दृष्टि के साथ मन भी मिल गया तो फिर वो क्या हो गया, दर्शन हो गया।
इस दृष्टि से भी ज्यादा मन की आवश्यकता है। अब सूरदास को नेत्रों से दिखता नहीं, लेकिन अंदर के पट खुल गए और गोविंद का दर्शन होता है। जब तक सदगुरु बीच में नहीं, नजरूल को सदगुरु की कृपा मिली, वृंदावन में आए और जो आकर देखा नजरूल ने, क्या अद्भुत। अपने भाव में नजरूल कहते पश्चिम मंगोल में, आसो सहारे कदम तले, आजो जहारे कदम तले, आजो जहारे कदम तले, आजो जहारे कदम तले, पर ध्यान दीजिए। ये किसी कवि की कविता नहीं है, भक्त के अंतर का भाव है। जो गुरु कृपा से देखा वो कह रहे हैं आजो जहारे कदम तले, माने आज भी जहां कदम के तले श्री वृंदावन बिहारी की वेणु बज रही है। अब आप देखिए जब वृंदावन में जाते हो क्या ये दृश्य दिखता है, क्या अनुभव हो रहा है, जो नजरों को हो रहा है, स्पष्ट कह रहे हैं आजो जहारे कदम तले, आजो जहारे कदम तले, वेणु बजे सांझ सकाले, वेणु बजे सांझ सकाले, आजो जहारे कदम तले, आजो सहारे कदम तले, जेथी नित्या लीला को रे, जेथी नित्या लीला को रे, जेथी नित्या मदन मोहन, मारे मदन मोहन, आजो जहारे कदम तले, आजो जहारे कदम तले, आजो जहारे कदम तले, कदम के तले वंशी वट की छैया में यमुना के पुलीन पर सांझ सवेरे वेणु बाजे सांझ सुकाले, गोविंद आते हैं वेणु बज रही है, जेथी नित्या लीला कोरे मारे मदन मोहन, जहां नित्य प्रति मदन मोहन लीला कर रहे हैं। ये लीला नित्य है, किसी द्वापर युग में आए थे ऐसा नहीं, नित्य वास है वृंदावन धाम में श्री कृष्ण का। बस एक बार सदगुरु कृपा हो जाए, कोई ऐसा रसिक मिल जाए तो परम अनुभव है। रस खान आए, परम सदगुरु विठल नाथ गोस्वामी जी महाराज का आशीष मिला, आशीर्वाद मिला, और संत बीच में आ जाता है। अब ध्यान दें, रघुनाथ वन से गुरुदेव के संग जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, कल लीला रस स्वादन आप कर रहे थे, मिथिला की ओर वन से गुजर कर जा रहे हैं, रस्ते में गौतम जी का आश्रम है, अहिल्या जड़वत है, अहिल्या जड़वत है, बोल नहीं सकती, अवस्था ऐसी है, खा पी नहीं सकती, युग बदल गए, प्रतीक्षा में बैठी है किसके, रघुनाथ आएंगे पर वो उद्धार कर देंगे मेरा, केवल एक प्रतीक्षा है अहिल्या के मन में। लेकिन उस अहिल्या तक रघुनाथ जी को पहुंचाने वाले कौन है, गुरुदेव है,
बिन संत कृपा के रघुनाथ वहां नहीं गए। गुरुदेव बीच में आए, रघुनाथ का हाथ पकड़ कर ले गए, उस कहा रघुनाथ ये देखिए, गौतम नारी श्राप बस ऊपर धरी धर धीर, चरण रज चाहती कृपा करो रघु, आपके चरणों की रज चाहिए। गुरुदेव बीच में आए तो अहिल्या का उद्धार हुआ, प्रतीक्षा अहिल्या की है, युग बदल गए, अश्रुपात करती है, कहीं जा नहीं सकती, उसी वन में बैठी है, जड़वत होकर बैठी है, अवस्था ऐसी हो गई है बावनों की तरह। लेकिन एक प्रतीक्षा है जो रघुनाथ जी की करती है, उसी भयावान वन में अकेली अहिल्या, अगर गुरुदेव बीच में ना हो क्या भगवान नहीं जानते अहिल्या वहां पर इंतजार करती है? नहीं, सदगुरु को बीच में आना पड़ा, संत को बीच में आना पड़ा। संत चलते चलते मिथिला की ओर रघुनाथ से कहते, रघुनाथ अभी अभी मिथिला से पहले इस वन की ओर चले। बोले क्यों? बोले बोले कोई है आपकी प्रतीक्षा में बैठा, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शबरी की प्रतीक्षा 70 वर्ष की है, अहिल्या की प्रतीक्षा कितनी बड़ी, कितने कितने अगर संस्कृति के मुताबिक देखें लाखों वर्ष जड़वत होकर बैठी है। प्रभु कब आएंगे, रघुनाथ कब आएंगे? संत बीच में आया तो रघुनाथ पहुंचे, संत बीच में आएगा तो फिर पहुंचोगे वहां, संत बीच में आएगा तो ही भागवत उद्धार कर देगी। रसखान जी महाराज पर कृपा हुई, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज की, और जब रसखान आए, अब नजर दी ना, सदगुरु क्या देता है, नजर दे रहा है। तभी तो कबीर कहते कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दयो बताए। जो 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 उस पर ब्रह्म की राह दिखा रहा है, उस सदगुरु पर बलिहारी जाओ। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, रसखान आए, और जब गुरुदेव की कृपा हुई, फिर जो देखा रसखान ने वृंदावन में, क्या अनुपम। रसखान कब आए, कोई अरीब करीब 500 वर्ष के अरीब करीब समय, वो ज्यादा नहीं। और जो देखा रसखान ने, मैं फिर कहूं किसी कवि की कविता में समझना इसे, भक्त के अंदर का भाव है, जो देखा वो कह रहे हैं रसखान। धूर भरी अतिशोभित शाम जो तैसी बनी सुंदर सिर चोटी, रसखान देख रहे हैं, नंदनंदन सर्वमुख प्रकट हो गए, वृंदावन धाम की धरा नंदन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ब्रज रज से धूसर हो रहे हैं, और सुंदर केश भगवान की चोटी बनी हुई है। रसखान देखकर भावे मोर हो गए, अश्रुपात होने लगा, सजल हो गए, बदन बदन में रोमांच हो गया, मन पुलकित हो गया देखकर गोविंद को। अपनी मधुर भाषा में रसखान कह रहे हैं, दूर भरे अतिशोभित श्याम जो तैसी बनी सुंदर सिर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरे कछुटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरे कछुटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरे कछुटी। या छवि कोरस खान विलोकित, या छवि कोरस खान विलोकित, कवि की कविता नहीं है, जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं। या छवि कोरस खान विलोकित, या छवि कोरस खान विलोकित, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। रसखान देख रहे हैं, नंदनंदन खेल रहे हैं, हाथ में रोटी पर माखन का लोंदा मैया ने दे रखा है। इतने में एक कौआ आया, खेलते खेलते नंदनंदन ब्रजराज के हाथों से माखन का लोंदा और रोटी उठाकर ले गया। रसखान रो पड़े, रसखान कहते, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, काग के भाग, गाओ, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए। रसखान के तो नेत्र हैं, सूरदास के तो नेत्र भी नहीं, और वो भी देख रहे हैं, लेकिन कब, जब गुरुदेव
बल्लभाचार्य जी महाराज मथुरा में मिलन हुआ सूरदास जी का, और जो गुरुदेव ने कृपा की। लेकिन कृपा होती कब है? संत कृपा कब करता है? जब आप संत के सन्मुख रिक्त होकर जाओगे, भरे हुए जाओगे, हम लेकर जाओगे अपने पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान के संग में जाओगे, तो संत कृपा कैसे करेगा? सूरदास की प्रथम मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई, परिचय पूछते हैं, रो पड़े, बोले मैं दीनहीन, क्या परिचय दूं अपना, कहीं भक्ति का लेश भी नहीं है। और फिर गुरुदेव की कृपा होती है, और फिर जो देखा सूरदास ने, वृंदावन में आए, गोकुल की पावन धरा, जो सन्मुख प्रकट नेत्र ये नहीं है, लेकिन भीतर के नैनन से जो सूरदास देख रहे हैं। सूरदास कहते अपनी भाषा में, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। नंद नंदन प्रांगण में खेल रहे हैं, कर कर माने शोभित, सुंदर लग रहे हैं, शोभित कर, कर माने हाथ में, क्या है नवनीत माने माखन, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। घुट रोन चलित रेणु तान मंडित, घुट रोन चलित रेणु तान मंडित, के बल चल रहे हैं और ब्रज रज से दूसरे, घुट रोन चलित रेणु तान मंडित, घुट रोन चलित रेणु तान मंडित, मुख दजिले पकिए, ओ मुख दजिले पकिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, 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 गोरोचन को तिलक किए, गोरोचन को तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। नित्य लीला, नाम नित्य, रूप नित्य, भगवान की लीला नित्य, धाम भी नित्य और भगवान के भक्त भी नित्य। ये सब संत रसिक कहीं चले नहीं गए, सदा यहीं पर है। जब जब भगवान लीला प्रकट करते हैं तो संत महात्मा भी संग में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे वृंदावन धाम में तो भगवान सम्मुख हो जाएंगे।
अभी पसा श्री कृष्ण की हो तो प्रभु चले आते हैं, जबकि नित्य वास है। हाँ, अगर घूमने के लिए जाओगे तो हो सकता है वृंदावन धाम की कुछ गंदी गलियां नजर आ जाए। गुरु महाराज बैठे थे और दूर एक सेठ आया, व्यापारी व्यक्ति। गुरुदेव ने पूछा, भैया आए हो तो थोड़ा दर्शन भी कराओ परिक्रमा की, गिरिराज जी की। बोले, महाराज कितनी परिक्रमा है? बोले, 7 कोस 21 किलोमीटर। बोले, ना बाबा, मैं तो ना कर पाऊंगा इतनी बड़ी परिक्रमा। बोले, चलो आए हो कम से कम वृंदावन की परिक्रमा ही कर लो, ये तो थोड़ी कम है, यहाँ की कर लो। बोले, ठीक है, आप कहते तो कर लेते हैं। और सेठ साहब गए। अब जब गए तो वापिस आए, सांस फूली हुई, थके हुए, पसीने से तर बतर गिरे आकर। गुरु महाराज ने पूछा, भैया इतने थके हुए क्यों, कहा हुआ? बोले, हुआ क्या बाबा, आपने कैसी जगह पर भेज दिया? बोले, हुआ क्या? बोले, इतनी गंदगी, कहीं पत्थर गिरी है, कहीं पर स्वर घूम रहे हैं, कहीं पर कुछ गिरा हुआ है, कंकर पत्थर सब कुछ गंदगी गंदगी, पांव में छाले पड़ गए हैं, ऐसी अवस्था कैसा स्थान है? बड़ा दर्द हुआ सुनकर, बड़ी पीड़ा हुई। और इतने में एक वैष्णव आया, तिलक धारण कर रखा था, चंदन की कंठी, तुलसी की कंठी धारण कर रखी थी, हाथ में ठाकुर जी की माला का जप करते हरिनाम भजन चलता हुआ जीवा पर आकर बैठा, गुरुदेव के सम्मुख आकर गया। तो गुरुदेव ने पूछ लिया, ओ प्यारे, एक बात तो बता, परिक्रमा करके आयो? बोले, हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा होगी, परिक्रमा करके आयो। तो बोले, चलते चलते कुछ कंकर पत्थर सुअर पत्थर इत्यादि। बोले, क्षमा करें गुरुदेव, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, कल फिर कर लूंगा, बता दूंगा, लेकिन क्षमा चाहूं। बोले, देखा क्यों नहीं? बोले गुरुदेव, क्या करता मैं, चला था तो जैसे परिक्रमा करने के लिए आपका शरण निकल चला, अब अभी शुरू ही की है, तो इतने में क्या हुआ कि पीछे से नंदनंदन दौड़े दौड़े आए, और जैसे नंदनंदन दौड़ते दौड़ते निकलने लगे तो ठाकुर जी की पीताम्बरी की एक छोर मेरी मुद्रिका में फंस गई। नंदनंदन आगे आगे, पीछे पीछे, हे गिरधर गोपाल रुकी, हे नंदनंदन रुकी, आपका छोर फट जाएगा। प्रभु तेजी से आगे आगे, मैं पीछे पीछे, प्रभु रुक जाइए, छोर फट जाएगा। भगवान आगे आगे, मैं पीछे पीछे, प्रभु रुकिए, छोर फट जाएगा। और जितनी देर में नंदनंदन छुड़ा कर दौड़े, परिक्रमा पूरी हो गई। गुरुदेव दिखाई नहीं, कुछ था कि नहीं था, भावना आपकी है, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। नित्य लीला जहां की है, जेथी नित्या लीला कोरे मारे मदन मोहन। नित्य लीला, दृष्टि है, नजर कैसी है, संत कृपा हो जाएगी तो फिर जो दिखेगा वो अनमोल है, फिर नंदनंदन दिखेंगे। अगर केवल ध्यान दीजिए, अगर केवल घूमने की दृष्टि से जाओगे, हो सकता है गंदगी नजर आए, हो सकता है सुंदर आकर्षित इमारतें भी नजर आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बिहारी जी से मिलना है, नंदनंदन से मिलना है, ब्रजराज से मिलना है, तो फिर भावना अभिपसा गोविंद की हो तो प्रभु नजर आएंगे। नित्य लीला है। वृंदावन की शोभा देखत, जो वृंदावन आप देखते हैं वो स्थूल वृंदावन है, वो स्थूल वृंदावन है। लेकिन अगर बात करें तो स्थूल वृंदावन की भी बात करने की औकात नहीं है, अप्रकृतिक वृंदावन की तो बात ही अलग है। वो तो कोई रस कृपा करे तो प्रगट हो, कोई दुर्गी माँ जैसी, पीसी माँ जैसी, कोई गवरिया बाबा जैसा कोई आए कृपा करे और वो प्रगट हो जाए, या सहज कृपा खुद करे। लेकिन क्या अनुपम है, राधा मोहन की निज मंदिर महाप्रलय नहीं आए, ब्रह्मा ते उपजो नाय अखंडित, अखंड है ब्रह्मा ते उपजो नाय अखंडित, कब हो ना ही न सात वृंदावन। इतना ही गालो, वृंदावन 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 श्री वृंदावन, ताली नहीं बस गालो, गुनगुना लो, वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत, की शोभा देखत मेरे न
नयन सिरात वृंदावन वृंदावन कुंजन कुंजन पुंज रस बरसत 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 हर्षत सब को बात वृंदावन श्री वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन फणि पर रवि तर नहीं विराट में है नहीं संध्या नहीं प्रात फणि पर रवि तर नहीं विराट में शेष के फण पर नहीं है आपकी सृष्टि शेष के फण पर वृंदावन नहीं है ये सूर्य नहीं यहाँ तो प्रिया प्रीतम के प्रेम का प्रकाश है फणि पर रवि तर नहीं विराट में है नहीं संध्या नहीं प्रात फणि पर रवि तर नहीं विराट मह नहीं संध्या नहीं प्रात माया काल रहित नितनो तन माया काल माया का प्रभाव नहीं माया काल रहित नित नूतन माया काल सदा फूल फल पात वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात वृंदावन वृंदावन निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिरहत सदा सहाये निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिरहत सदा सहाये व्यास विलास रास अद्भुत गति व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर पात वृंदावन ओ वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन 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 की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन से रात वृंदावन रखो अब वृंदावन धाम की लीला है केवल बैठना नहीं है थोड़ा झूमना भी वृंदावन की शोभा देखते वृंदावन की शोभा देखते
इंतजार कर रही हैं गोकुल में। टेलीफोन आया अभी अभी, पूतना मौसी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आप वृंदावन बैठे रहोगे वापिस आओ महाराज, खूब आनंद उत्सव हो रहा है गोकुल की धरा पर। नंदो महामनिस्ते भयो वासो अलंकार गोधनम, सब सज धज कर आ रहे हैं सोलह श्रृंगार करके। आज किसी को ये नहीं लग रहा कि नंद बाबा की यहाँ लाला भयो, सबको ये लगा कि हमारे ही है नंद नंदन, हमारे ही है। और भाव यही हो, मैंने पहले कहा घर में ठाकुर जी की आप सेवा करें और भगवान समझ कर करेंगे तो थोड़ी दूरी बनी रहेगी, फिर डर भी लगेगा। भगवान के नाम पर डर ज्यादा लगता है, दुनिया डराती भी बहुत है, इसलिए अपना बनाओ, एक रिश्ते की डोर बांधो उनके साथ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। सर्वम माने सब कुछ है, सब कुछ। जिस भी रिश्ते में आप बांधना चाहे, रिश्ते की डोर से बांधिए, फिर पुकारिए, फिर अपने लगेंगे। भगवान समझकर दूरी है, इसलिए सेवा का प्रकरण है। भोर भय से सांझ डरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे सो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, के आप हमारी ओर निहारो। राधा कृष्ण हमारे धाम को, जान वृंदावन धाम पधारो। जहाँ बैठे ये वृंदावन है, जहाँ भागवत हो रही है वो वृंदावन धाम है। ये आपका घर नहीं है अभी, ये वृंदावन है। और ठाकुर ऐसी कृपा करें ये वृंदावन ही बन जाए। इसी भाव से आप ये भागवत चलती रहे। ये सात दिन का समय नहीं है, यहाँ तो भारतीय संस्कृति है, जन्म जन्म का संबंध है, एक जन्म का संबंध नहीं है। और वो तो ठाकुर जी तो प्राणों के पति हैं। तुम हो एक आगोचर सबके प्राण पति, प्राणों के पति हैं, आत्मा के पति हैं गोविंद। उनके साथ तो संबंध जन्म जन्म का है। इसी भाव से मन वृंदावन हो जाए, धाम वृंदावन हो जाए। प्रभु ये घर आपका है, मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी परिचारिका हूँ, आपकी प्रेयसी हूँ। इस भाव से एक नित्य रिश्ता ठाकुर जी के साथ बांध लो, जैसे मीरा ने बांध लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दुनिया वाले पागल कहने लगे, मीरा मुस्कुरा कर कहती है, बोले संसार वाले अपने पति को परमात्मा कहते हैं, मैंने परमात्मा को पति बनाया। बोले बाबरा को, बोले पागल को, रिश्ता तो उनसे ही, रिश्ता तो केवल उनसे है। संसार के साथ रिश्ता तो तन का है, लेकिन मन का अंतरात्मा का रिश्ता तो केवल गोविंद से है। खूब रज में आनंद उत्सव हो रहा है, गोपिकाएं सज धज कर आ रही हैं। एक बूढ़ी अम्मा 105 साल की आयु, एक भी दांत मुख में नहीं है, और वो भी इतना प्रसन्न हुई नंदनंदन का सुनकर, सोलह श्रृंगार किया। आप देखो 105 साल की आयु, एक भी दांत नहीं, सोलह श्रृंगार किया, अपने ब्याह वाली साड़ी पहनी, इतनी प्रसन्नता। और फिर आई नंदनंदन का दर्शन करने के लिए, और इधर आई तो क्या देखती है कि खूब हल्ला हो रहा है। यहाँ तो बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल भी ठुमका लगा रहे हैं। उर्मौसी आई, बोले नंद बाबा आज तो थोड़ा ठुमका लगा कर बताओ, जिंदगी भर तो नाचे नहीं, आज तो गोपाल जी आए हैं। और नंद बाबा मस्त हैं आनंद में, खूब छाछ फेंक रहे हैं, खूब माखन के लोंदे फेंक रहे हैं। अम्मा आई तो देखा बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल नाचते कूदते, बोले धैया रे धैया, मुख खुला रह गया, हाथ जहाँ था वही रह गया। मैया तो बड़ी हैरान आई, नंद बाबा ने देखा तो माखन का लोंदा उठाया, है मैया जय कन्हैया लाल की, और माखन का लोंदा सीधा मैया के मुख में गया। बोल वृंदावन बिहारी जय जय श्री। अष्टमी तिथि को भगवान का प्रगटे हुआ, नवमी दशमी एकादश द्वादश तिथि को कैलाश धाम से भोले बाबा आए, गोपाल जी का दर्शन करके गए। त्रयोदशी तिथि को नंद बाबा कहाँ जाते हैं, मथुरा में कर देने के लिए जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षया नृपे मथुरां गतः, नन्दः कंसस्य वार्षकयम् करं दातुं कुरुद्वः। वसुदेव उपश्रुते भ्रात्रं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययो तव मोचनम्। कंस के यहाँ गए वार्षिक कर देने के लिए, वसुदेव जी को खबर मिली तो वसुदेव नंद बाबा को मिलने के लिए उनके कक्ष में आते हैं।
क्योंकि कुछ समय के लिए वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया था कंस ने, लेकिन रखा अपने पास, बाद में फिर कारागार में डालते हैं। वसुदेव मिलने के लिए आए तो नंद बाबा से कहते हैं, बाबा बस मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, आप अधिक समय मथुरा में मत रुकिएगा। बोले किस लिए? बोले मुझे कुछ आशंका है। करो विवार्षिको दत्यो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः निःस्थयं बहुतिथं सन्ति उत्पातश्च गोकुले। मुझे आशंका है, जब से उस कन्या ने ये कहा कंस को तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, भयभीत है, नवजात शिशु का वध करवाता है, मुझे खबर लगी है आपके भी दो लाला हैं, मेरी विनती है आप अधिक समय मत रुकिएगा, आप गोकुल में वापस चले जाइए। चौदस तिथि आई, त्रयोदशी को नंद बाबा गए हैं, चौदस तिथि का प्रारंभ हुआ। कंस ने अपनी सभा बुलाई, सब पधारे और कहा मेरा काल कहीं ना कहीं ब्रज में प्रकट हो चुका है, मुझे जहां तक लगता है, तो कुछ उपक्रम किया जाए, उतना को भेज रहा है, उतना आइए, आप आज्ञा दें मैं जाऊंगा। कंसेन प्रेता घोरा उतना बाल घातनी शिशु संचार निगनती पुरग्राम ब्रजा दिशु। उतना आई, कैसी है? रूप कैसे पुतना का? पिशाच राक्षस ने, बड़ा विराट रूप, बड़े बड़े दांत, देखकर भी डर लगे। और वेद व्यास कहते कहती बोल पूतना बाल घातनी, बच्चों का वध करने वाली, और विराट रूप है, और आज चौदस तिथि को आई। संत गोष्ठी करते बोले चौदस को क्यों आई? बोले क्योंकि पूतना अविद्या का रूप है, और अविद्या 14 प्रकार की होती है, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, चित्त बुद्धि मन और अहंकार, यहां से 14 प्रकार की अविद्या है, और पूतना अविद्या का रूप है, 14 स्थिति को आई है, लेकिन रूप बदल लिया, रूप बदला, पिशाच राक्षसनी थी तो एकदम सुंदर बन गई, माया से सुंदर साध्वी का रूप धारण किया, अति सुंदर बनकर फिर ब्रज धाम में आई। देखो जब भी प्रभु के सन्मुख जाओ, हम जैसे हैं वैसे जाओ, बदलने का प्रयास नहीं करना, बदलने का प्रयास, क्योंकि हम संसार से पर्दा कर सकते हैं लेकिन गोविंद से पर्दा नहीं हो पाएगा। आप संसार से छिपा सकते हैं अपने आप को लेकिन प्रभु से नहीं छिपा पाएंगे। लेकिन पहली भूल यहां पूतना की है, अपने आप को बदला, जैसे हैं वैसे जाओ, अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छा या बुरा हूं परदास हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं परदास हूं तुम्हारा, परदास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर है भार है क्रिया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है करुणा निधान, करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको,
वरना ये नाम होगा बदनाम एक दिया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार, जैसे हैं वैसे जाइए। पूतना आई साध्वी बनकर ब्रजधाम में पधारी। आप देखो सौभाग्य के ब्रज में प्रवेश हरि इच्छा के बिना नहीं मिलता, और पूतना को मिल रहा है। कौन है जो आप में वृंदावन नहीं गए अभी तक? नहीं गए आप? सब गए तो जल्दी होकर आओ। जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा, जिसने जहां में ये सुंदर नजारा ना देखा उसने फिर कुछ भी ना देखा। ललक ललक जगाओ थोड़ा और। प्रभु किशोरी जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी चंचल है ना, वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, पर किशोरी जी का स्वभाव इतना सौम्य है, इधर आप कहती वो साथ के साथ निमंत्रण भेज देती है, साथ के साथ ठाकुर जी से कह देती है, साथ के साथ। पूतना आई, कितनी कृपा ब्रजधाम में। गोपिकाएं गोपिकाएं मिली ब्रजांगनाओं ने देखा पहली बार, कोई कौन साध्वी है ये? पूछा आप कौन है? बोले दूर हिमालय से आई हूँ, साधना कर रही थी, खबर मिली नंद राय जी के यहाँ लाला हुए हो, दो लाला है, सोचा दर्शन भी कर लूँ, थोड़ा आशीर्वाद भी दे आऊंगी। भोली भाली ब्रजांगनाओं नंद बाबा का घर का पता बताया, पहुंची। घर में केवल यशोमती मैया थी और नंद नंदन थे। मैया लाला को दूध पिला रही है, आहट सुनी किसी के आने की तो लल्ला को पधराया पलने में। गोविंद जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, पलने में लेटे हुए हैं। और मैया बाहर आई देखने के लिए कौन आयो तो देखा सामने एक साध्वी खड़ी है। प्रणाम किया, कौन है आप? परिचय दिए, बोले साध्वी हूँ, दूर हिमालय से आई आपको बधाई देने के लिए, कुछ नेक और आपके लाला का दर्शन कर लूँ, थोड़ा आशीर्वाद दे दूँ। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले अतिथि देवो भव, आप भीतर आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ दूध लेकर आती हूँ। मैया भीतर गई गर्मा गर्म दूध लेने के लिए, और इधर पूतना अंदर प्रवेश करती है। आप सौभाग्य देखिए, सामने पलना, पलने में नंदनंदन लेटे हुए हैं, पूतना दूर से देख रही है, और नंदनंदन ने भी दूर से एक बार तो देखा पूतना को, और पूतना को देखते ही गोपाल जी के मन में संकल्प प्रकट हो गया। देखो अभी आई नहीं, लीला शुरू नहीं हुई, और जानते किस लिए आई है? पूतना स्तनों पर कालकूट का विष लगाकर मारने के लिए आई, दूध पिलाऊंगी बहाने से मार दूंगी। नंद नंदन ने देख लिया। अभी कितने दिनों के हैं? अष्टमी को आए, अष्टमी नवमी दशमी एकादश द्वादश त्रयोदश छठी। नंद नंदन ने देखा पूतना को, पूतना को देखते भगवान क्या संकल्प करते हैं, बोले मुझे इसको मुक्ति देनी है। बताओ अच्छी बात नहीं है क्या? भगवान नहीं जानते किस लिए आई है? मारने के लिए आई है। पर करुणा देखो कितने करुणा इन हैं, जानते हैं कि मुझे मारने के लिए आई है, और देखते पहला संकल्प क्या प्रकट हुआ, बोले मुझे इसे मुक्ति देनी है। सूर्य भगवान से पूछा, बोले आपके मार्ग से दूं? बोले प्रभु क्षमा करें, हम मार्ग ना खोलेंगे, ये दुष्टा है, दुराचारिणी है, इसे मुक्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सूर्यदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव से पूछा, बोले आप बताएं? चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आप हमारे वंश में आए हैं और ये आपको मारने के लिए आई है, हमारे द्वार बंद है। ब्रह्मा से पूछा, बोले यहां मार्ग नहीं मिलेगा इसे, लेकिन संकल्प तो ठाकुर जी का है ना, और जिसको एक बार भगवान संकल्प कर लें फिर भले सारे द्वार बंद हो जाएं, फिर प्रभु का द्वार खुला रहता है मुक्ति देने के लिए। जब रघुनाथ जी अपनी लीला संपूर्ण करते हैं, और आप जानते भी होंगे, फिर जब अवध बिहारी ने लीला पूर्ण की, फिर सरयू के तट पर जाकर भगवान ने लीला को विश्राम दिया, और उस वक्त जितने भी अयोध्यावासी थे सबको भगवान ने अपने साकेत धाम में भेज दिया, बोले सब जाओ सरयू में और मेरे धाम को जाओ। जितने भी थे अयोध्यावासी, यहां तक कि पशु पक्षी कोई भी था, सबको भगवान ने मुक्त कर दिया, सबको साकेत धाम भेज दिया। बड़े आनंद से सब जा रहे हैं, और सबसे अंत में वो धोबी जिसने जानकी अम्मा पर लांछन लगाया था उसे बुलाया, बोले आप भी जाइए। रो पड़ा, हाथ जोड़ ली, प्रभु मेरा जैसा दुराचारी, मेरे जैसा पापी इस काबिल नहीं है,
प्रभु ने कहा ये सब लीला है, आप जाइए। करुणा देखकर भगवान की रीझ गया, नेत्र भर आए, संभाला नहीं जा रहा, शरीर काम पर आया है। प्रभु इतने कृपालु हैं आप, हम जैसे दुष्ट पर भी प्रभु आप कृपा करते हैं। ठाकुर जी ने कहा जाइए आप सकेत धाम में। और जैसे ही धोबी सकेत धाम में प्रवेश करने लगा, साकेत ने द्वार बंद कर दिए। साकेत प्रकट हो गया सामने, बोले रघुनाथ जी क्षमा कीजिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप पूर्ण मर्यादित हैं, लेकिन कुछ मर्यादा हमारी भी तो है। बोले ऐसे दुष्ट व्यक्ति को हम अपने धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्षमा चाहते हैं। मना कर दिया, ब्रह्मा से पूछा मना किया, चंद्रदेव से पूछा उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे मार्ग से कृपा कर। सूर्य भगवान से पूछा, बोले प्रभु हमारी कुल वधू है जानकी अम्बा, इसने हमारी जानकी पर लांछन लगाया है, हमारे द्वार बंद है। रघुनाथ जी ने कहा फिर संकल्प तो हमारा है, और जब हमने एक बार संकल्प कर लिया पूर्ण करेंगे। उस धोबी के लिए भगवान नया धाम प्रकट करते हैं और उस धोबी को उस नए धाम में प्रवेश करवाया। ये भगवान का संकल्प है। पूतना को देखकर पहला विचार भगवान के मन में मुक्ति देनी है। आप ये बताओ पूतना का ऐसा क्या कर्म है भगवान सोच रहे हैं कि मुक्ति दूं? कोई उत्तर नहीं इस बात का। क्या खबर किस बात पर दयानिधि रीझ जाते, कोई पता नहीं। पूतना आई सन्मुख, देखा अगल बगल कोई नहीं है। ठाकुर जी ने देखा, करीब आई पूतना तो देखकर नेत्र बंद कर लिए। अब संत गोष्ठी करते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किए। एक संत ने कहा पूतना अविद्या का रूप है और भगवान अविद्या को देखना ही नहीं चाहते, सो नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा नहीं, ठाकुर जी के प्रभु ने देखा। भगवान विचार करने लगे, बोले मेरे भगत रूप का दर्शन भी बड़े बड़े सिद्धों को नहीं होता, शस्त्र पर साधना करने के बाद भी भगत रूप भी प्रकट नहीं होता उनके सम्मुख, और बाल छवि का दर्शन करना तो बड़ा अलौकिक है, बड़ा दुर्लभ है। और फिर इस पूतना ने ऐसा क्या कर्म किया है कि जिसके फल रूप इसे मेरी इस अलौकिक बाल छवि का दर्शन हो रहा है? और जैसे ठाकुर जी नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म की ओर देख रहे हैं कि देखो सही ये कौन सा कर्म करके आई, इसे नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा नहीं, ठाकुर जी के नैन में बड़ी करुणा है, अगर एक बार भी इस करुणा भरी दृष्टि से ये देख जाए किसी की ओर तो भगवान की करुणा उसमें आ जाएगी, और अगर पूतना में करुणा आ गई तो फिर जो लीला करनी है वो लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए ठाकुर नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने विचार किया कि मैं तो गोकुल में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और पूतना मौसी आई हैं कालकोट का विष लगाकर मुझे विष पिलाने के लिए, और विष पीने का काम तो मेरा नहीं है, वो काम तो देवादिदेव महादेव का है। वो जैसे प्रभु नेत्र बंद करके महादेव को याद करे। एक संत ने कहा नहीं, भगवान के नैन में बड़ा प्रेम है, अगर एक बार नैन से नैन मिल जाए, आप ध्यान दीजिए, अगर एक बार भी ठाकुर जी के नैन से नैन मिल जाए तो होश नहीं आएगा, प्रेम हो जाएगा। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे। ऐसे सुरतिया का असर है, ऐसे नैनन का असर है, एक बार नैन से नैन हो जाए तो फिर होश कहाँ। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो। त्यार बैठे रहते हैं, देखो बाहर का संगीत बजना जरूरी नहीं है, भीतर का संगीत बड़ा मधुर है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो। मुखड़े को देख कोटी चंदाल जावे, मुखड़े को देख कोटी चंदाल जाए, गुंगराली लट पे घटाए वारी जाए, जादू
माया के जादू भरे दो नयन सखीरी मेरो राधा माया के जादू भरे दो नयन सखीरी मेरो राधा रमन छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा रमन पत्नी कमर किंतु अंग हैं गठीले पतली कमर किंतु अंग हैं गठीले पत्नी कमर किंतु अंग हैं गठीले पतली कमर किंतु अंग हैं गठीले अधरों पे अमृत है नयना नशीले अधरों पे अमृत है नैना नशीले अके नैना नशीले अके नैना नशीले अके नैना नशीले अके नैना नशीले थोड़ा बचपन है थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन सखीरी मेरो राधा रमन छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा रमन छीन ले हंस के सखीरी मेरो राधा रमन छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा रमन या के जादू होए होए कभी नहीं देखा पूतना को बोले अगर देख गया तो इसे भी इश्क हो जाएगा फिर जो लीला करनी है वो हो नहीं पाएगी सो ठाकुर नेत्रों को बंद कर लिया कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन पूतना को देखकर गोविंद नेत्रों को बंद किया अब करीब आई आप सौभाग्य देखिए पहले दर्शन किया दर्शन ही नहीं मिलता फिर भगवान का स्पर्श भी कर रही है उन्हें अपनी गोदी में उठा रही है आनंदित हो गई एक बार तो पुतना का मन भी भूल गया होगा सब कुछ ऐसी अलौकिक छवि सन्मुख हो जिसके सन्मुख करोड़ों करोड़ों काम दे भी टिक ना पाए और पुतना कैसे रह पाई होगी फिर प्रभु ने माया डाल दी होगी छलिया तो है ही चलते तो है ही फिर याद आया किस लिए आई हूं और फिर अपना पयोधर गोविंद के मुख में डाला दूध पिला रही है गोविंद दूध पीने लगे और दूध पीते पीते अब पूतना के प्राण खींचने शुरू किए अब पूतना चिल्लाई बोले छोड़ मुझे अब घबराई ठाकुर जी ने भी कह दिए बोले सुनो मौसी मेरे मैया ने मेरे को पकड़ना सिखायो यूं तो किसी को पकड़ू ना ही लेकिन जिसको एक बार पकड़ लूं फिर जन्म जन्म ये भगवान की लीला का प्रभाव है कथा कथा ये करती है यूं तो भगवान अपनी कथा यूं देते नहीं है लेकिन अगर एक बार कथा आपके भीतर चली गई फिर कितना प्रयत्न करना संसार छूट सकता है भगवान की वाणी नहीं छूट पाएगी ये इसका प्रभाव है ये लीला का प्रभाव है आकाश मंडल में चली पिशाच रूप धारण किया हाहाकार मच गया ब्रज में सब ब्रजवासी पीछे पीछे यशोमती मैया रो रही है चिल्ला रही है और ठाकुर जी ने पूतना के दूध पीते पीते प्राणों को पी लिया धड़ाम से गिरी गोविंदाय नमो नमो हो गया और छाती पर भगवान खेल रहे हैं
इधर से नंदा बाबा ग्वाल बालों के साथ आए, पूतना के विशाल देह को देखकर वसुदेव जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अधिक देर मत ठहरना, को उत्पात ना हो जाए। बाबा को लगा वसुदेव तो बड़े त्रिकालदर्शी, बोले पहली खबर लग गई। इधर ब्रजवासी आए, ग्वाल वालों ने कन्हैया को उठाया, गौमूत्र में स्नान करवाया, गौ की पूंछ को घुमाया, मैया ने दूध पिलाया, अपने हृदय से लगाया। बाबा ने विचार किया, बोले इतनी बड़ी देह, क्योंकि 6 कोस का क्षेत्र प्रभावित हुआ। आप विचार करें देह कितनी बड़ी है, 6 कोस माने 18 किलोमीटर, इतनी विशाल काय देह पूतना की। और बाबा विचार करते अगर अगर इसी प्रकार ये देह पड़ी रही तो महामारी फैल जाएगी। बोले क्या करें, सभा बुलाई, बोले इसके शरीर को कई टुकड़ों में कूटो। शस्त्र टुकड़े किए गए 1000, और उतनी चिताएं बनाकर प्रत्येक में एक टुकड़ा रखा गया। अग्नि प्रज्वलित हुई, सांझ का वक्त है। नंद बाबा क्या देखते हैं, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया, एकदम अलौकिक हो गया। आकाश मंडल से देखा एक विमान आ रहा है, और पूतना की जलती चिताओं से एक सुंदर नवयुवती प्रकट होकर विमान में सवार होकर भगवान के धाम की ओर जा रही है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों में हाहाकार हो गया, बोले पूतना जैसी नारी को इतनी परम गति भगवान अपना लोक प्रदान कर रहे हैं, जो माँ को गति नहीं मिलती उससे विशेष कर गति पूतना को क्यों दी जा रही है, आखिर कौन है ये। विश्लेषण किया पूतना के जन्म का, पीछे पहुंचे, बोले जब भगवान वामन रूप में आए, बलि के यहाँ गए 3 पग भूमि का दान लेने के लिए, तो बलि की पुत्री रतनमाला ने देखा प्रभु के स्वरूप को, 7 वर्ष के ठाकुर जी, गौर वदन सुंदर नयन, तो मन में बात्सल्य भाव प्रकट हुआ, ममता प्रकट हुई। बोले अगर अगर ये बालक मेरा पुत्र हो तो इसे लाड करूंगी, प्यार करूंगी। देखो प्रभु को देखकर भाव प्रकट हो जाए, लेकिन जब भगवान ने एकदम रूप धारण किया विराट, तो उसी रत्नमाला के मन में भाव प्रकट हुआ, बोले अगर ये मेरा पुत्र हो ना तो मैं सब वध कर दूं। अब एक ही व्यक्ति के मन में प्रभु के लिए 2 भाव प्रकट हुए हैं, पहला कि मेरा पुत्र हो तो मैं इसे लाड करूं, गोदी में बिठाऊं, दूध पिलाऊं, और दूसरा अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसे मार दूं। और भगवान ने दोनों भावों के अनुरूप उसी रत्नमाला को क्या बनाया, उतना बनाया। सबसे पहले क्या करती है, दूध पिला रही है, दूध पिलाने का काम किसका है, एक माँ का है, और फिर कालकूट का विष भी लगा कर आई है, जो काम एक आतताई का है। लेकिन अब प्रभु की करुणा देखिए, ठाकुर जी इतने करुणामयी हैं, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले कहा बिहारी जी की नजदीक की दृष्टि थोड़ी कमजोर है ना, सिद्ध हो गया ना, ये तो दिख रहा है कि दूध पिलाने आई है, ये नहीं दिखा कि विष भी पिलाया है, यही इनकी करुणा है, दिखते नहीं अब गुण क्या है, किस लिए आई है, इतना दिखा, इस बात पर रीझ गए। और कोई कर्म पूतना का ऐसा नहीं है कि भगवान का लोक मिले, केवल एक बात पर भगवान रीझ गए, इसने मुझे दूध पिला। ब्रज मंडल का दर्शन किया है, गोपिकाओं का दर्शन किया है, और जो इनका दर्शन कर ले तो उसे परम गति मिलती है, और भगवान ने परम गति प्रदान की। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए बड़ी गहराई से, मान लिया कि पूतना बाहर विष लगाकर आई, मान लेते हैं इस बात को कि पूतना बाहर विष लगाकर पिलाने के लिए आई, पर भीतर तो दूध ही था, जो दिया वो तो दूध ही था, भीतर तो हमारा उल्टा है, भीतर विष भरा है। जब भीतर कपट होगा, देखो किसी देह को आप पर्दा कर दो नेत्रों के सामने हो जाए तो वो पट है, उसे क्या बोलोगे आप, पट। लेकिन अगर मन के सामने आवरण आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कपट, वो कपट है। कपट युक्त मन जब जाएगा प्रभु के सन्मुख तो भगवान स्वीकार नहीं करते, भले बाहर विष है लेकिन जो भीतर से प्रकट हुआ वो दूध प्रकट हुआ, भगवान रीझ गए। बाकी मैंने पहले कहा पर्सनल डिपार्टमेंट है, कोई क्या कुछ कहे ना कहे, इनको कहने वाला कौन है, जो मन मर्जी के मालिक है, जो चाहता है सो करते हैं, कौन सा किसी की मानते हैं, नटखट तो है ही है। लेकिन इतना तो प्रमाणित है, हम जैसे भी हैं, गुणी अवगुणी दीनहीन, कोई औकात हो के ना हो, जो एक बार इनके करीब चला जाता है ये उसके अवगुण नहीं, ये पक्का है, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपने हृदय से लगाते चकाते नहीं है। इसलिए जब भी जाओ बिहारी जी के सम्मुख जाओ, ठाकुर जी का दर्शन करो, बस पियो।
भगवान के सन्मुख जब भी जाओ वृंदावन में, बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को, राधा रमन जी के सन्मुख, तो आपने कुछ मांग के नहीं आना। वृंदावन की रीति मांगना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मांगना नहीं। हम तो लंबी लिस्ट वहां में खड़ी कर देते हैं, मांगना नहीं। ठाकुर जी को कुछ देकर आइए, आशीर्वाद देकर आइए, हे लाडली लाल जुग जुग जियो। आप देकर आओ, आशीर्वाद देकर आओ, मांगना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रिया प्रीतम नित्य विहार में है, वृंदावन धाम में है, किशोर अवस्था में, उसी अवस्था में सब पर कृपा करते हैं। और आप जाइए तो यहाँ से मांगना नहीं, बस सन्मुख खड़े हो जाइए, दर्शन करें। और हाथ जोड़ने की प्रथा नहीं है ठाकुर जी के सामने, किस लिए? क्योंकि हमारा ठाकुर चाहता ही नहीं कोई उनके सामने आकर हाथ जोड़े। वहां तो हर्षोल्लास से हाथ उठाए जाते हैं, इतना आनंद। इसलिए बस जाइए और निहारते रहिए, कुछ नहीं करना। जब भी घर में वक्त मिले, मैंने पहले कहा रात्रि का वक्त मिले, सोने से पहले 10 मिनट केवल इनके सामने बैठिए, निहारते रहो, बस कुछ ना करो। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल देखते रहिए। देखने देखने से 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 6 महीना साल कभी ना कभी दिन आएगा, आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा ये भी आपसे बात कर रहे हैं, आपको देखकर ये भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक एक नित्य का नियम बनाइए, एक नियम जरूरी है। आप कुछ भी नियम बनाइए, नियम जरूरी है। चाहे 2 मिनट रख लो कि मुझे एक बार आपको देखना है, कुछ भी है, एक नियम पक्का होना चाहिए। चाहे सोने से पहले एक बार आपको निहार कर ही सोना है, बिन आपको देखे प्रभु नहीं सोना। फिर देखिए प्रभु का रूप कितना प्यारा। फूलन की सोहे गले माला बजंती, फूलन की सोहे गले माला बजंती,